नवांशहर च विजिलेंस विभाग ने एक कानगो पटवारी 5000 रुपए की रिश्वत लेंदे रंगे हाथ काबू किया है। जानकारी मुताबिक पिंड माल खुर्द के रहने वाले गुरमुख सिंह पुत्र हरमेश सिंह ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि उसने पिंड की नंबरदारी लई ने 15000 रुपए की रिश्वत ली सी अते 5000 रुपए की होर मांग की जा रही थी, जिसनों अज रंगे हाथी नवांशहर पटवारखाने तो सरकारी गवाह की हाजिरी में गिरफ्तार किया गया है, जिसनों की अदालत में पेश करने रिमांड भी हासिल करके होर पूछगिछ की जाएगी। इस संबंधी सारी जानकारी DSP विजिलेंस सुखविंदर सिंह ने दी है। गुरमुख सिंह माल खुर्द तो मदई साढ़े आए थे, जिन्हें नंबरदारी का अपना केस अपलाई किया हुआ जिहड़ा पटवारी ओम प्रकाश है, ये पहला इन्हों को 15000 रुपये लै लिता से कानगो बन गया होना इस वे हूँ, फिर इन्हें कल इन्हों को 5000 रुपये की मांग की सी, जिसके संबंध में उन्होंने साढ़े को शिकायत की थी। अज साड़ी टीम ने मेरी वाही हेठ इंस्पैक्टर चमकौर सिंह वालों कार्रवाई करते हुए टीम के नाल जाके सरकारी गांव नाल जाके इन्हों अज रंगे हथ 5000 रुपये लेंदे तहसील परिवार दफ्तर से फड़ लिया, जिसके खिलाफ मुकदमा इसी एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया, अगली तफ्तीश जी की जा रही है। सर गिरफ्तार कितों किया परिवार दफ्तर के बताया नवांशहर ये पहले भी क्योंकि मुकदमा दर्ज है अभी तक ये बारे पड़ताल करा जी इसी तरह को गल आई सामने नोट कौन कौन से सर नोट 500 के नोट सी 10 नोट 5000 सर इन्हें करवाना की सी नंबरदारी के केस वास्ते जोड़ा है इन्हों वालों एक रिपोर्ट होनी होंगी है, जोड़े बंद ने नंबरदारी अपलाई किया इन्होंने एक दूसरी जमीन बारे रिपोर्ट करनी होंगी है, एक कोई वो बंद को जायज कब्जा जो कोई चीज ना हो इस संबंधी एक इन्हों का रिक्वायरमेंट हैगी है वो इन्हें रिपोर्ट करके भेजी है सर। अंडर सेक्शन की प्रिवेंशन एक्ट कर रहे अजय पेश कर रहे कल अदालत उस नवांशहर तो सुखजिंदर सिंह सुखा की रिपोर्ट पंजाब टुडे।